पहली ही बारिश में नागलवाड़ी परियोजना की उड़ी धज्जियां। 4 मीटर गहराई में पाइप दबने के बाद भी जमीन के बाहर निकला है पाइप, ये बड़ा सवाल। ठीकरी, नागलवाड़ी परियोजना का काम करीब 70% के लगभग हो चुका है। इस परियोजना के माध्यम से ब्राह्मण गांव से नर्मदा का जल नागलवाड़ी ले जाया जाना है, जिससे नागलवाड़ी क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंच सकेगा। किंतु गनीमत है कि अभी परियोजना का कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ कि परियोजना की पोल खुलने लग गई। गत रात्रि में हुई पहली जोरदार बारिश ने परियोजना की धज्जियां उड़ा के राख कर दी। क्षेत्र के किसान जिनकी जमीन परियोजना के द्वारा ली गई, ऐसे किसान रमेश पिता मांगीलाल चौहान ने बताया कि जमीन उनके पिताजी के नाम पर बोरीपुरा चितावल पंचायत में स्थित है। जमीन से नागलवाड़ी परियोजना के पाइपलाइन डाले गए हैं, जिसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही है, या कह सकते हैं कि इंजीनियर लोगों की इंजीनियरिंग फेल हो गई है। पाइप जमीन के अंदर खुदाई करके डाले गए, किंतु जमीन से पाइप बाहर निकला, ये आश्चर्य का विषय है। हमारी जमीन का पहले 27,000 रुपए मुआवजा मिला था। पाइप डालने के बाद बारिश में मक्का की फसल बोई थी, पाइप बाहर निकलने के बाद मक्का की फसल तबाह हो गई है। वहीं क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण नदी नालों में ठीक से पानी भी नहीं आया कि नागलवाड़ी परियोजना अभी से दम तोड़ने लगी। जिम्मेदार अधिक बारिश होने से मिट्टी का धसना बता रहे हैं, जिससे परियोजना के पाइप जमीन के ऊपर आ गए हैं। 4 मीटर की गहराई में पाइप दबने के बाद पाइप ऊपर कैसे आए, ये एक चिंता का विषय है। इस पर क्षेत्र के ग्रामीण सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो जमीन है, हमारी जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, मेरे पिताजी के नाम पे जमीन है, और ये जो पाइपलाइन दबी हुई थी उसमें पूरे पाइप बाहर आ गए मेरे खेत के। और इसके बाद में ये जो पाइपलाइन करी है, इसमें या तो कहीं ना कहीं अपने को कमी पेशी दिख रही इंजीनियर लोगों की, या कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फेल हो गई है। किस कारण से, किस वजह से आ गई ऊपर पाइप, इस संबंध में तो अब इंजीनियर लोग ही बता पाएंगे उसमें कि क्या है, इसमें क्या वजह है। क्या अब क्या करेंगे? अब हम तो यही सोच रहे हैं कि हमको जो मुआवजा दिया जाए। हमारा पहले भी नुकसान हो चुका था, नुकसान में हमको मिला था उसमें 27,000 रुपये मुआवजा मिला था पहले, और अभी कम से कम, और हमारी जो अभी मक्का की जो फसल बोई थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो अभी आपने किसी को सूचना दी है? सूचना अभी तो किसी को नहीं दी है हमने। अभी आज सुबह में मेरे को पता चला, जैसे भी फिर मैं आया वहाँ से। जिल क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह। किस पद पे अभी? साइड इंजीनियर नागलवाड़ी परियोजना। हाँ सर, यहाँ पाइप जमीन से बाहर आ गए हैं, क्या कहेंगे? ये ज़्यादा बारिश होने के कारण पहाड़ का पानी घुसा है, उससे पाइप ऊपर आ गया है। सर, इनके गहराई कितनी होनी चाहिए पाइप की? गहराई पूरी है भैया, 4 मीटर। 4 मीटर गहराई रहती है पाइप के ऊपर, 1200 कवर रहता है। लेकिन यहाँ के किसानों की कहना है कि 10 फीट गहराई थी, इससे ऊपर गहराई नहीं थी। नहीं नहीं, आप कहीं पर भी जहाँ पर बोलेंगे वहाँ पीठ लगा के बता देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसान की फसल खराब हो गई है, क्या कहेंगे उसका? भी अभी अधिकारी का आके देखेंगे, जो भी रहेगा उसके हिसाब से कर देंगे। सर, ये जो नागलवाड़ी है, इन लोगों के नागलवाड़ी परियोजना है, इनका कहना है किसानों का कि मेरे यहाँ जो हुआ है, ऐसा कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फेल हो रही है या फिर? नहीं नहीं, इसमें इंजीनियरिंग फेल नहीं है, बारिश ज़्यादा होने के कारण ऐसा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। सभी जगह अगर हो रहा है कि ये एक ही जगह है, आपको क्या? सभी जगह कहाँ हो रहा बताइए ना, कहीं और भी हो रहा है? कहाँ हो ये बताइए ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहीं और हुआ है क्या? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं और कहाँ पे हुआ है। अब ये पहली बार हुआ है हमारे साथ, और वो भी बारिश ज़्यादा होने के कारण हुआ है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।